नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जहां हम आपको कराएंगे तमिलनाडु के ऐतिहासिक प्रसिद्ध किले के दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु में कई ऐतिहासिक किले हैं जो 18वीं शताब्दी के हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला किला तमिलनाडु राज्य में बनवाया था, साथ ही तमिलनाडु में पाए गए कई अन्य किलों का निर्माण उनके द्वारा उस विशेष अवधि में किया गया। तमिलनाडु लंबे समय से इतिहास में डूबा हुआ एक राष्ट्र है, जिसके क्षेत्र में असंख्य राजवंश उठे और गिरे। यदि आप राज्य के सांस्कृतिक ताने बाने को करीब से देखना चाहते हैं, तो आप तमिलनाडु के पुराने किलों की ओर जा सकते हैं, जो अभी भी अतीत के गवाह हैं। आज की तारीख में कई किले चल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ किले अभी भी काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पहला है वेल्लोर किला। वेल्लोर किला विजयनगर राजाओं द्वारा निर्मित भारत के तमिलनाडु राज्य में वेल्लोर शहर के मध्य में स्थित 16वीं शताब्दी का एक बड़ा किला है। किला एक समय में विजयनगर साम्राज्य के अरबिंदु राजवंश का मुख्यालय था। किला अपनी भव्य प्राचीर, चौड़ी खाई और मजबूत छिनाई के लिए जाना जाता है। किले का स्वामित्व विजयनगर राजाओं से, बीजापुर सुल्तानों से, मराठों से, कर्नाटक नवाबों और अंत में अंग्रेजों के पास चला गया, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने तक किले पर कब्जा किया। भारत सरकार पुरातत्व विभाग के साथ किले का रखरखाव रखती है। ब्रिटिश शासन के दौरान टीपू सुल्तान के परिवार और श्रीलंका के अंतिम राजा श्री विक्रमाराज सिंह को किले में कैदियों के रूप में रखा गया था। किले में एक ईसाई चर्च, एक मुस्लिम मस्जिद और एक हिंदू मंदिर है, जो अपनी शानदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में 1806 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था, और ये श्रीरंगा राय के विजयनगर शाही परिवार के नरसंहार का भी गवाह है। वेल्लोर किले का निर्माण चिन्ना बोमी रेड्डी और थिम्मा रेड्डी द्वारा किया गया था, जो विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय के अधीन सरदार थे। तालीकोटा युद्ध के बाद चंद्रगिरी के साथ उनकी चौथी राजधानी के रूप में विजयनगर शासन के पुनर्स्थापना के बाद वेल्लोर किले के रणनीति महत्व प्राप्त किया। पृथ्वी के चेहरे पर वेल्लोर में एक जैसा कोई किला नहीं है। इसमें एक गहरी गीली खाई थी, जहां एक बार 10,000 मगरमच्छ झुंड में थे। इस किले के हर घुसपैठिए को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसमें बहुत बड़ा डबल है, जो गड्ढों वाली दीवारें अनियमित रूप से प्रक्षेपित होती है, जहां दो गाड़ियां बीच में चलाई जा सकती है। किले का निर्माण अकोट और चित्तौड़ जिले के पास की खदानों से ग्रेनाइट में किया गया था। ये 133 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। एक टूटी हुई पर्वत श्रृंखला के भीतर 220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किला एक खाई से घिरा हुआ है, जिसे कभी आक्रमण की स्थिति में एक अतिरिक्त रक्षा पंक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें लगभग 12 किलोमीटर दूर विरिंजीपुरम की ओर जाने वाली एक भागने वाली सुरंग शामिल है, जिसका उपयोग राजा और अन्य राजघरानों द्वारा हमले की स्थिति में किया जा सकता है। किले को दक्षिणी भारत में सर्वश्रेष्ठ सैन्य वास्तुकला के एक माना जाता है, और इसकी भव्य प्राचीर, चौड़ी खाई और मजबूत चिनाई के लिए जाना जाता है। किले में एक मंदिर, एक मस्जिद और एक चर्च, प्रसिद्ध वेल्लोर क्रिश्चियन अस्पताल और कई अन्य इमारत हैं, जो एक सार्वजनिक कार्यालय के रूप में उपयोग की जाती है। उदयगिरी का किला 3,069 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महान प्राकृतिक सुंदरता का घमंड, पहाड़ी के किनारे हरी भरी वनस्पति और खूबसूरत झरने हैं। खंडहर हो चुका किला पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। हालांकि पहुंच केवल कदमों से है और किले के लिए कोई सड़क नहीं है। गजपति और विजयनगर शासकों के शासन के दौरान ये शहर बहुत भव्यता के साथ विकसित हुआ। कस्बे में पाए गए 365 मंदिरों के खंडर विभिन्न अवधियों की मूर्ति कला और वास्तुकला को दर्शाते हैं। पहाड़ी पर संरचना जैसे रंगनाथ मंदिर चोल संस्कृति को दर्शाता है, बालकृष्ण मंदिरम पल्लव संस्कृत को दर्शाता है और परुवेट मंडप विजयनगर संस्कृति को दर्शाता है। अन्य संरचनाओं में चिन मस्जिद और पेशा मंदिर शामिल है। हर साल रबी युआई अवल महीने की 26 तारीख को चंदन महोत्सव मनाया जाता है। उदयगिरी की पहाड़ी को संजीवी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहाड़ी पर बहुत सारे औषधियां पौधे हैं।
इस जगह को हैदराबाद के गोलकुंडा किले के बराबर विकसित किया जा सकता है। लाइट एंड साउंड शो आदि जैसे आकर्षण का परिचय देना संभव है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, लाइक करके और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।